Hi everyone, I am Pragati from Pragati Progress Classes. Today we are going to learn third standard chapter 10 measurement. Okay, तो आज हम करने वाले 21 question. ठीक है, तो इस question में क्या है, How many patients can be given dose of 1 ml each of a jar of a medicine contains 3 liter and 225 ml. Okay. तो एक मेडिसिन के बोतल में कितना है, 3 लीटर 225 ml है, ठीक है, कंटेंट है. तो प्रत्येक पेशेंट को देना है 1 ml, ठीक है. तो उसके लिए हम पहले स्टोरी सम्स लिख लेते हैं. अ बोतल कंटेन 3 लीटर and 225 ml medicine. Okay. तो पहले इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 3 लीटर और 25 ml को पहले हम ml में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो 3 लीटर इज इक्वल टू 3000 ml एंड क्या है 225 ml, ठीक है, 225 ml. तो इन दोनों को हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है. इक्वल टू कितना हो गया, 5, 2, 2 and 3 इक्वल टू 3225 ml. ओके, तो अब ये कन्वर्ट हो गया. हमें देना कितना है प्रत्येक पेशेंट को, तो ईच पेशेंट गिवेन 1 ml. ओके, तो एक एम एल देना है सभी पेशेंट्स को, और हमारे पास कितना है 3225 ml. ओके, तो एक एक ml देंगे तो हम कितने पेशेंट को देंगे, 3225 ml इक्वल टू, एक एक ml देना है तो हम उतना ही पेशेंट को देंगे, है ना. कितने पेशेंट को गिवन होगा, 3225 पेशेंट. ओके, तो ये कैसे होगा, आप इसको 1 से आप डिवाइड कर सकते. तो एक एक एम एल देंगे, अगर दो होता तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है. अगर बोलता क्वेश्चन में कि 2 ml देना है, 2 ml प्रत्येक पेशेंट को देना है, तो हम क्या करते, डिवाइड कर लेते. अगर अभी आप यहाँ 1 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, तो अगर आप 1 से डिवाइड करोगे 3225 ml को, तो उतना ही आएगा. डिवाइड यानी प्रत्येक पेशेंट को आप दे रहे हो, तो 1 1 3 टाइम पढ़ेंगे तो 3, माइनस किया 0, फिर आप 2 लेके आ जाओ तो 2 टाइम रीड किया 2, माइनस किया 0, फिर आप 2 लेके आ जाओ, फिर 2 टाइम 2, उसके बाद फिर आपने माइनस किया 0, फिर आप 5 लेके आ जाओ 5 टाइम, है ना. तो इस तरह से आप देखो कितने पेशेंट को गिवेन है, 3225 पेशेंट को 1 1 ml गिवेन है. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.